लॉकडाउन की वजह से दिहाड़ी मजदूरों को काम को लेकर तो समस्या हो ही रही है, साथ ही अब उन्हें राशन को लेकर भी इधर उधर भटकना पड़ रहा है। ऐसी ही तस्वीरें सामने आई हैं झांसी से। सरकार गरीब लोगों के लिए कम्युनिटी किचन के माध्यम से खाना पहुंचाने का काम कर रही है, लेकिन अभी भी कुछ परिवार ऐसे हैं जिनको किसी भी तरह की कोई सुविधा नहीं मिल पा रही है। इसी बात को लेकर झांसी में मऊरानीपुर की महिलाओं ने उप जिला अधिकारी के कार्यालय पर जाकर मदद की गुहार लगाई। काम पत्थर फोड़ते हैं तो आप लोगों की व्यवस्था नहीं हो रही है? नहीं, हमको अभी यहाँ क्यों बैठी हैं आप लोग? हम लोग व्यवस्था के लिए आए हैं, मदद के लिए आए हैं। किस चीज़ की मदद? व्यवस्था खाने के लिए, राशन के लिए, बच्चों को क्या खिलाएं? तो सरकार की तरफ से कुछ नहीं मिल रहा? हमको कुछ नहीं मिला। राशन कार्ड नहीं है आप लोगों? राशन कार्ड है। गल्ला मिला? गल्ला नहीं मिला, चावल मिला। चावल मिला अकेला? हाँ, वाल के खाएंगे वो। तो आप लोगों को खाने की व्यवस्था सरकार की तरफ से नहीं? नहीं, हमारे यहाँ कुछ नहीं आ रहा है। आज झांसी जिले के तहसील मऊरानीपुर में खाने को लेकर के लोग बागों को बड़ी परेशानियां आ रही हैं। यहां पर लोगों को खाना नहीं दिया जा रहा है, लोग बाग बड़ी समस्याओं से जूझ रहे हैं। यहां पर कल की घटना को लेकर के बड़ी से यहां पर सख्ती कर दी गई है। जो यहां पर कल एक महिला पॉजिटिव पाई गई है, उस महिला को लेकर के यहाँ पर पूरी मऊरानीपुर, पूरा जिला यहाँ पर सील कर दिया गया है। लेकिन कुछ यहाँ पर महिलाएँ भी उप जिलाधिकारी के पास सुबह से बैठी हैं कि इन लोगों की खाने की व्यवस्था कैसे की जाए, इन लोगों को खाने को नहीं दिया जा रहा है। जो सख्ती को देखते हुए तो मैं प्रशासन से कुछ यहाँ पे महिलाएं आई हैं जो उन लोगों से गुहार लगा रही हैं कि उनकी खाने की व्यवस्था की जाए। मैं कुछ यहाँ की महिलाओं से भी बात करता हूँ कि जो लोग यहाँ पे बैठी हैं तो इन लोगों का कैसे यहाँ पे गुजारा कर रही हैं, ये लोगों को कैसे यहाँ पे दे रही हैं। तो आप जो यहाँ पे बैठी हैं तो आप लोग किस बात को लेके आई हैं? हम लोग बहुत परेशानी से जूझ रहे हैं, सब क्या करें, और बहुत सी जगह, दो तीन जगह मदद मांगने के लिए गए तो कोई भी मदद, कोई भी सुनवाई नहीं हो रही ना, कोई भी सुनवाई आपकी नहीं हो रही है। तो यहाँ पे कुछ लोग बैठे हैं कि इनकी किसी भी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। मैं यहाँ पे एक महिला से और मैं बात कर लेता हूँ यहाँ पे कि जो यहाँ पे सरकार की तरफ से जो रसोई चलाई जा रही है, तो क्या रसोई चलाई जा रही है तो क्या महिलाओं, गरीब लोगों को यहाँ पे दिया जा रहा है उन लोग को खाना, या नहीं दिया जा रहा है? तो मैं इनसे पूछ लेता हूँ, आप लोगों को खाना दिया जा रहा है रसोई से? नहीं दिया जा रहा है। कब से आप लोगों को खाना नहीं पहुँचा? एक महीना से नहीं मिला। एक दिन आता है, दो तीन दिन नहीं आता है। एक महीने से इन लोगों को खाना नहीं मिल रहा है। जो लोग अपना भरण पोषण बड़ी ही मुसीबतों से चला रही हैं, कुछ लोग यहाँ पे ऐसी भी बैठी हैं, इन लोगों का राशन कार्ड नहीं बना है, तो ये लोग कैसे अपना यहाँ पे गुजारा कर रही होगी? मैं इनसे भी पूछता हूँ, आपका क्या नाम है? सीरी। तो आपका राशन कार्ड नहीं बना क्या सरकार की तरफ से? आपका सरकार की तरफ से राशन नहीं बना तो फिर कैसे आप यहाँ पे बच्चों का अपना भरण पोषण कर रहे हैं? तो क्या सरकार की तरफ से और कुछ दिया नहीं जा रहा आप लोगों को? नहीं दिया जा रहा। तो कैसे भूखन वाले जब इतने आए बैठे हैं, तो कैसे आप लोग गुजारा करेंगे? अब कर रहे हैं जैसे करना, सरकार की तरफ से बैठे तो आए सरकार के क्या, तो ये सिर्फ सरकार के अधिकारियों के ही भरोसे यहाँ पे बैठी हुई हैं महिलाएं। यहाँ पे इन लोगों की उम्मीद लगी है कि कुछ अधिकारी यहाँ पे आएंगे और इन लोगों की सुनवाई करेंगे। झांसी से लाइव 24 धर्मेंद्र सिंह प्रजापति।